हाय गाइस, कैसे हो आप लोग दोस्तों। तो अभी जस्ट खिलाड़ी मूवी से रिगार्डिंग जो न्यूज आ रही है उसके और थोड़ा सा लूप लपेटा जो फिल्म आई थी कल, उसी के बारे में थोड़ा सा हम चर्चा करने वाले हैं इस वीडियो में। तो सबसे पहले मेरे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब तो करना मत भूलिएगा और बने रहिएगा मेरे चैनल पे। अब बात करते हैं दोस्तों, सबसे पहले लूप लपेटा की थोड़ी सी छोटा सा शॉर्ट में वन वर्ड में मैं रिव्यू करना चाहूंगा, टट्टी बात करना चाहूंगा इस फिल्म को। तो लूप लपेटा जो इस मूवी में ना सबसे ज्यादा कॉन्सेप्ट इस फिल्म को बनाने में मेहनत की गई है वो कही है मात्र लूप लपेटा जो नाम इन्होंने टाइटल रखा है उस पे, बाकी फिल्म में कहीं भी दम नहीं है। मतलब वो ये फिल्म अगर किसी रोड पर चलते हुए आप अगर गोबर को मतलब कि पैर से मारोगे ना तो वो मुंह पे पड़ेगी, ऐसी ये फिल्म है। ये एकदम मतलब वाहियात किस्म की फिल्म बनाई इन्होंने। और ये जो रन लोला रन जो इतनी बड़ी उस समय ऑस्कर पे नॉमिनेट हुई थी उसकी एडॉप्शन फिल्म है, इन्होंने इतना घटिया बनाया। मतलब कि तापसी पन्नू जी को उन्होंने ये बताया कि एथलीट है वो, उनको नी इंजरी है, उसके बाद में ये पूरी फिल्म में ये फिल्म जब लूप में चलती है तो बार बार दौड़ते हुए दिखती है, मतलब किसी की कार की वाइजर तोड़ते हुए दिखती है। मतलब कहा यार आपको कुछ समझना चाहिए, वो मतलब कि नी इंजरी से गुजर रही है, आप लोगों ने लॉजिक किया लगाया और वो तीनों पार्ट में यही चल रही है लूप में। जब भी है ठीक है लूप में चल रहा है मगर उनका दर्द तो नहीं जाएगा ना, वो लूप में कंटिन्यूसली भागी जा रही है, कुछ करी जा रही है मतलब उसको बचाने के लिए। मतलब पूरी वाहियात फिल्म, पता नहीं कैसे इन्होंने डायरेक्ट करके इसको मतलब झेला। मैं 20 मिनट मुझे देखने के बाद इस फिल्म की स्टार्टिंग में ऐसा लगा 1 मिनट की मतलब सूर्यवंशम की याद है कि मैं खून की उल्टी करके ना मर जाऊं, ऐसी ये फिल्म थी। अब बात करें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हम जिस मतलब कि न्यूज के लिए आज मैं वीडियो बनाया हूं जिस अपडेट्स के लिए, वो है आप लोगों को बता दूं मैं खिलाड़ी मूवी के लिए। खिलाड़ी मूवी अब हिंदी में रिलीज हो रही है, मैं आप लोगों को बता दूं इसमें स्टारिंग में रवि तेजा सर हैं, जो आप लोगों को पता होगा रवि तेजा मास फिल्म के लिए जाने जाते हैं, मसाला एंटरटेनिंग फिल्म होती है इनकी। उनकी फिल्म में कॉमेडी टाइमिंग और जो पंचुअलिटी होती है ना वो नेक्स्ट लेवल होती है। वो एक्शन तो बाद में रहने दीजिए, वो तो सेकेंडरी है, मगर जब वो फिल्म में मसाला टाइप का जो फिल्म होता है ना वो रवि तेजा के नाम से जाना जाता है तेलुगु इंडस्ट्री और साउथ इंडस्ट्री में। अब वो आ रहे हैं नॉर्थ ऑडियंस को एंटरटेन करने के लिए 11 फरवरी को, तो अब वो क्लास करने वाली है डायरेक्ट बधाई दो के कारण। अब बधाई दो और इसके बात करें तो इन्होंने सोचो यार बॉलीवुड वाले एक साइड मतलब कहीं पर किसी के साथ में क्लास करना चाहते नहीं है, साउथ इंडियन फिल्म एक्सपेरिमेंटल के तौर पे फिल्म फर्स्ट बार रिलीज कर रहे हैं पैन इंडिया में, उसके बाद में डायरेक्ट वो क्लास कर रहे हैं बधाई दो के साथ में। मतलब कुछ तो सोचो यार, एक तरफ आप लूप लपेटा बना रहे हो इस तरह की वाहियात मूवी, उसके बाद में ये मतलब कुछ तो समझ करना चाहिए यार। मैं तो हैट्स ऑफ करता हूँ मेकर्स को, ऑफ मतलब जो खिलाड़ी के मेकर्स हैं फिल्म मेकर्स, कि आप लोगों ने ये डिसीजन लिया। मैंने फर्स्ट में जब ये वीडियो की जब टीजर आई थी ना और इसकी जब मतलब कि तेलुगु मूवी की जब पोस्टर रिलीज हुई थी तभी उस समय में मैंने कहा था कि इस फिल्म को हिंदी में रिलीज करना चाहिए, क्योंकि हिंदी ऑडियंस अभी मसाला एंटरटेनिंग देखने के लिए पैंडेमिक के बाद में थिएटर्स को जरूर जाएगी। और अभी जो न्यूज निकल के आ रही है सभी जगह पर लगभग जो सिनेमा हॉल है जहाँ पर पूरी क्लोज्ड थे वो अब 50% ऑक्यूपेंसी के साथ में खुल गई है, तो फिल्म जहां तक हो ना हो फिल्म सब देखने के लिए जाएंगे और फिल्म अच्छा बिजनेस करेगी। जो कंटेंट में दम होगा कंटेंट को देखने ऑडियंस को जाएगी, पुष्पा ने जाहिर कर दिया है, चाहे फिल्म कितनी भी बड़ी क्यों ना हो। अब देखते हैं बधाई दो के और यहां हमारे खिलाड़ी के सर में 11 फरवरी को दोनों एक ही दिन रिलीज हो रही है, उनको तो वैसे भी जो हमारे खिलाड़ी उनको कम स्क्रीन मिलेगी मगर स्क्रीन मिलने के बाद में क्या तहलका मचा के आती है हम लोगों को पता चल जाएगा जब थिएटर्स पे लगेगी, तब देखते हैं फिल्म कैसी होगी कितनी अच्छी होगी। बधाई दो भी काफी अच्छी फिल्म लग रही है, होमोसेक्सुअल पे ये फिल्म बनी हुई है और टैकल करते हुए जो इशू बताया गया वो, अब देखते हैं फिल्म उसी दिन दोनों को डिफाइन कर पाएंगे फिल्म कैसी है कैसी लगी और सब मेरे साथ में बने रहेगा, मैं आप लोगों को जरूर शेयर करूंगा उसके बारे में। और छोटी से बड़ी किसी मूवी के और भी अपडेट्स आती है तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। मेरे चैनल पर लाइक शेयर सब्सक्राइब तो कर दीजिएगा दोस्तों और बने रहेगा मेरे चैनल पर। बाय बाय दोस्त, धन्यवाद।